लखनऊ। वसीम रिजवी के खिलाफ समाजवादी के पूर्व जिला सचिव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खोला मोर्चा। वसीम रिजवी के विवादित बयान का ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला असर। वसीम रिजवी के विवादित बयान पर की कार्यवाही की मांग। जल्द वसीम की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीण उतरेंगे सड़कों पर। पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी के फिरोज खान ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसील मालिहाबाद में ज्ञापन देकर की वसीम रिजवी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। आरिफ रिजवी। असल मुद्दा यह है कि ये पता लगना चाहिए कि इनको फंडिंग कौन दे रहा है, इनकी प्रॉपर्टी इतनी बनी कहाँ से, इसकी जांच होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि इस बात की जांच हो कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनके बैक पे कौन है। जब ये एक आम से आदमी थे तो अब इनके पास इतना सारा प्रॉपर्टीज वगैरह सब बनी कैसे, और इनको किसकी ऐसी मतलब बैक है इनके पीछे के जो ये इतनी बुरी तरीके से एक समुदाय के खिलाफ अगेन एंड अगेन बयान देते रहते हैं और इस तरीके से देश का, हमारे देश का माहौल खराब होगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी को बैक में आतंकवादी भी कहा जा रहा है, सब कहा जा रहा है, कहा है कि उसको उन लोगों का सपोर्ट है, इस बात से कहां तक सहमत है? इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर किसी चीज किसी का सपोर्ट नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टी इतनी बनी कैसे, और जब अगर किसी के पीछे बैक नहीं होती है तो वो इतने बड़े बड़े बयान नहीं देता है। तो जरूर इसके पीछे कोई साजिश है, देश का माहौल खराब करने की एक काम किया जा रहा है और जरूर इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके पीछे कौन है, सबसे सख्त जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी वसीम रिजवी कई तरह के आपत्ति जन बयान भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे उनको दोबारा ना ये करने का सबक है, फिर उन्होंने ऐसा किया, अब आगे क्या कहेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि योगी आदित्यनाथ जी इस पे बिल्कुल एक्शन लेंगे। और अब ये जो वसीम रिजवी आए दिन एक धर्म मुस्लिम धर्म के खिलाफ आए दिन ये जो गलत सलत बातें करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग आज गए थे यहाँ पे। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो बड़े न्याय पे तुरंत न्याय करते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं, क्योंकि उनको देर नहीं लगती। तो इसमें क्यों वो खामोश हैं? आज वो 20 दिन हो गए हैं उसको बयान दिए, वो रोज़ बयान दे रहा है, रोज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ रहा है, उस पर वो खामोश है। एक अपराधी आदमी जिसपे CBI की जांच चल रही है, वो यहाँ से भाग के बॉम्बे चला गया और यहाँ के प्रदेश और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इस पर मुख्यमंत्री जी खामोश है। तो इस बात का हमको जवाब चाहिए था, हमने उनसे सवाल किया है प्रेस के द्वारा और यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप मुकदमे तो बहुत जल्दी लगाते हो, आपने लोगों के मकान गिरा दिए, आज उसकी शहर के अंदर अवैध संपत्ति, अवैध बिल्डिंगें खड़ी हुई, आप उसको क्यों नहीं कार्रवाई करते? एक अदना सा आदमी सड़क छाप जो नखास की गलियों में घूमा करता था, आज वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। होली का टाइम है, कोरोना से लोग बच रहे हैं, सरकार इसकी तरफ को ध्यान देना चाहिए और इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कि 21 दिन के अंदर वसीम रिजवी से जवाब तलब किया गया और कहा कि इसको वापस लो बयान, उसके लिए क्या? तो ये सुप्रीम कोर्ट माननीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ, न्यायालय का, न्यायालय करेगा, इंसाफ करेगा और वसीम रिजवी को न्यायालय डालेगा जेल में, उन पर जुर्माना भी ठोकेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन ये आए दिन ऐसी बातें करते हैं, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे नेता पे 100-100 मुकदमे लगा दिए गए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी पे मुकदमा लगा दिया गया, इतनी जल्दी मुकदमे लग जाते हैं एक राजनेता के ऊपर।